दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रीखंड महादेव की बर्फ से भरी पहाड़ियाँ। आज है सितंबर की 19 तारीख। सितंबर 16 को अश्विन महीना शुरू हो चुका है। अश्विन महीना शुरू होने से बरसात ख़त्म मानी जाती है और अब धीरे धीरे से पहाड़ों पर ठंड भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। अश्विन महीना शुरू होने से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होनी भी शुरू हो जाती है। श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों की ऊंचाई है 17,000 फीट और अश्विन महीना शुरू होने से अब इन पहाड़ियों पर बर्फबारी होनी शुरू हो चुकी है। श्रीखंड महादेव की यात्रा आधिकारिक तौर से जुलाई महीने में लगभग 2 हफ्तों के लिए चलती है, लेकिन अगर बात की जाए तो अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक श्रीखंड महादेव के दर्शनों के लिए लोग जाते रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही भारी रिस्क होता है क्योंकि बचाव के कोई भी साधन इस दौरान इस ट्रैक पर नहीं होते। बहुत ही शानदार व्यू। अब धीरे धीरे से ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है क्योंकि जो ठंडी हवाएं वो गर्म क्षेत्रों की ओर अब हिमालय से चलने लगेगी और मैदानी इलाकों से गर्म हवाएं हिमालय क्षेत्रों की ओर आएगी। बहुत ही प्यारा व्यू श्रीखंड महादेव की बर्फ़ से भरी पहाड़ियों का।